जलंधर के रेलवे स्टेशन के पास होटल ब्लेसिंग इन से मोहल्ले वाले काफी परेशान थे, जिसको लेकर 2 साल से पुलिस में कंप्लेंट की जा रही थी। आज जब होटल में लड़के लड़कियां पहुंचे तो मोहल्ले वालों ने इसका विरोध किया, जिसको लेकर होटलों ने मोहल्ले वालों के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंचे डिवीजन नंबर 3 के SHO से जब मीडिया की तरफ से सवाल किए गए तो SHO थाना 3 के मुकेश कुमार एक्टिवा से सवार होकर भागते निकले। पूरी मार्केट का बयान है कि इतने देह व्यापार चल रहा है, असी तो विरोध कर रहे थे तो इन्होंने सानू मारिया, मेरे बेटे नू और मैनू मारिया अंदर बुला के। ब्लैसिंग्स गैसट हाउस है, बंदे का नाम राजेश खन्ना है, ये होर भी होटल है, इतने देह व्यापार चलाता है 2 साल तू जी। असी इसे गली च रेंदे और मैं कल ही रेंदी हूँ अपने बच्चों। जी हाँ, प्लीज कोई एक्शन नहीं ला रही। राजेश खन्ना असी कई बार फोन कर चुके हैं 100 नंबर से, पुलिस वाले आके चाह पानी पी के चले आते, कुछ नहीं करते, हंस के उन्होंने पैसे खवा देंगे और चले आते, और सानू धमकाते भी हैं, सानू धमकियां दी जा कि अगर तुम सा खिलाफ खड़े हो तो असं तुम्हें चक देंगे। जस्ट उन्हें फोन किया SHO साहब का, क्योंकि इतने कोई लड़ाई झगड़ा होया, तुम आओ। जल्द मैं इतने आया, मैं पता लगा भी इन्होंने कोई जो होटल वाले आड़े कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं है भी होटल वाले ने जो कोई कुटमार की आ, असी वेद 3 बंदे फड़ ले आ, लैके थाने चल गए, तो लैके जा रहे SHO साहब, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लैके थाने लै गए तीन, जो भी कार्रवाई बनती होगी मैडम के बयान लगे कार्रवाई कर। मैडम पहले होटल की CCTV हाल तक नहीं चेक की गई है। मैं जस्ट आई हाँ, असी DVR लै लाँगे और बिल्कुल चेक करा, मैनू उस ना तो मैं वो कंप्लेट बारे पता है, वह भी वेरीफाई करा, अगर 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 किसी ने कोई अनगहली की तो वो खिलाफ एक्शन लिया जाए। सर एक बहुत वही गल है कि बाहर एक गड्डी खड़ी है BR नंबर की, जिद उत्ते कोई सीनियर सहायक विधायक कुछ लिखा हुआ है जी। ओके जी आए हैं, मैं बुलाया से SHO, असं चेक कर लगे हमने, जो भी कार्रवाई तुम बाद दस दिन लगे हुए इलाके सब तो ज्यादा देह व्यापार का धंधा। बिल्कुल आप जाके कार्रवाई करो।